दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे जो बोगी के जो कंपोनेंट्स हैं, उसका कोच का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, वो भी वगैरह वगैरह जो LHB से रिलेटेड होंगे और जो परीक्षा के भी उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही चुन चुन कर ये प्रश्न जो है बनाए गए हैं ताकि जो आपकी परीक्षा में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है मिसलेनियस क्वेश्चन है LHB का, पूरे कोच और सेल का जो है, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट्स है जो उठाए गए हैं आपके लिए, ताकि आपको परीक्षा नज़दीक में जिनका है उनको तो ज़रूर देखना चाहिए, और जिनका परीक्षा नज़दीक में है वो नहीं वो भी देखें, नहीं देखेंगे तो कैसे होगा। और साथ ही अगर संभव हो तो पेन और कॉपी लिखकर नोट्स आराम से बनाएं, कॉपी में अच्छी तरह से लिखें ताकि बाद में पढ़ने में आपको सुविधा हो। और जिनके पास नोट्स है उनको कोई बात नहीं है, सिर्फ पढ़ने से ही काम उनका चल जाएगा। चलिए, तो ये तो बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LHB? इसका लिंक हॉफमैन बुश होता है, जर्मनी की कंपनी थी, वहाँ से भारत में लाया गया है इसको, ये तो सबको मालूम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोचेस? LHB कोचेस का जो सिर्फ बॉडी का, ये बफर छोड़ के सिर्फ बॉडी का अगर पूछे लेंथ तो 23,540 इसका आंसर होगा। अगर आपको बफर के साथ पूछे तो 24,000 होता है MM, ठीक है, 24,000 MM। अगर बफर के साथ पूछे तो, लेंथ ओवर बफर पूछे तो 24,000 MM होगा। अगर आपको चौड़ाई पूछे LHB कोच की चौड़ाई तो 3240, यानी 3240 चौड़ाई अगर पूछे तो 3240, ठीक है। अगर हाइट पूछे, हाइट चौड़ाई से ज़्यादा हाइट होता है, याद रखिएगा 4,039 इसका हाइट है, 4,039, ठीक है। इसका लंबाई बता दिए, चौड़ाई बता दिए, ऊंचाई बता दिए, अब बफर के साथ बता दिए, सिर्फ बॉडी का बता दिए, इससे आपको 5 क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, संभव हो तो कॉपी में लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, याद अगर आपका हो जाता है, इतना आपका दिमाग तेज है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ साइड CBC एवं रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल? जैसे कि जो बफर का हाइट है वो रेल लेवल से, जब भी कोई भी हाइट अगर मापते हैं हम लोग, मेजरमेंट करते हैं तो रेल लेवल से, तो रेल लेवल से मतलब ट्रैक का लेवल से CBC हाइट कितनी है वो पूछ रहा है, किसमें, लोडेड कंडीशन में, जब गाड़ी लोड हो, एम्प्टी कंडीशन में, सॉरी, तो एम्प्टी कंडीशन में कितना है, 1105 MM, ठीक है, 1105 MM है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द हाई स्पीड पोटेंशियल ऑफ LHB कोचेस? LHB कोचेस का जो है स्पीड क्या है और कितना अपग्रेड करके किया जा सकता है वो पूछ रहा है। तो 160 किलोमीटर अभी चलती है, हालांकि चलती तो नहीं है क्योंकि बहुत सारे ट्रेनें चलने की वजह से, सिग्नल नहीं मिलने की वजह से लेट लतीफ़ा होते रहते हैं, लेकिन 160 किलोमीटर उसकी रफ्तार जो है, उसकी कैपेसिटी चलने की है, और अपग्रेडेबल टू 200 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 200 किलोमीटर के लिए इसको अपग्रेड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये सभी क्वेश्चन मेरे किसी न किसी वीडियो में सब कुछ पढ़ाए जा चुके हैं, जो सभी वीडियो हमारे देखे होंगे, चाहे जो अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको सब दोबारा मिलेगा और उनको और अच्छी तरह से याद हो जाएगा, एक तरह से रिविज़न हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। विच टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग इज़ यूज इन LHB कोचेस? LHB कोचेस में किस प्रकार के रोलर बेयरिंग यूज किए जाते हैं? तो सबको मालूम है कार्टेज टाइपर रोलर बेयरिंग की यूज किया जाता है, इसको CTRB भी कहा जाता है, शॉर्ट में इसको CTRB, ऑप्शन में देखकर आप घबराइएगा नहीं, उसी को कार्टेज टाइपर रोलर बेयरिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज इन LHB कोचेस? LHB कोचेस का व्हील फ्लेंज का जो थिकनेस है वो कितनी होती है? तो 29.4 MM इसका व्हील फ्लेंज का थिकनेस है, और व्हील फ्लेंज का अगर हाइट पूछे, फ्लेंज हाइट, तो होता है 28.5, फ्लेंज हाइट होता है 28.5, ठीक है। चलिए LHB से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आएंगे क्योंकि नया नया अभी जो है LHB, अभी सारे ICF कोच का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है, जैसे ऐसे कोचों की जरूरत पड़ती है, ICF कोच का जो 25 साल का जो उसका एज है वो पूरा होने के बाद उसको
निकाल के उसके जगह पर एलएचबी का यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारे रूट में तो पूरे कोच हटा के एलएचबी लगाए गए हैं और इसका कॉस्ट मेंटेनेंस तो बहुत कम है, आपको तो पढ़ाया जा चुका है, तो इससे ज़्यादा प्रश्न आएंगे, इसलिए एलएचबी पर आप फोकस कीजिए और उससे कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। जितना भी एलएचबी से रिलेटेड वीडियो है उसको पूरा देखिए, उसको कॉपी में लिखिए, उसका मेन मेन पॉइंट्स, और उसको याद कीजिए। परीक्षा में अगर सफल होना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। हाउ मेनी मेक सी टी बी यूज आर यूज ऑन एलएचबी कोचेज में कितने सी टी बी जो है यूज़ किए जाते हैं, तो 2 इसका आंसर है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट ऑफ टीमकेम सी टी बी? टीमकेम ये कंपनी का नाम है, ठीक है, जिसका कि सी टी बी आता है, तो 80 डिग्री इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ टू कोचेज को कपलिंग करेंगे, मतलब आपस में जोड़ते हैं, जो कपल करते हैं, वो पूछ रहा है क्या कंडीशन उसकी होती है, तो ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। बोथ कपलर शुड बी एन अलाइनमेंट, मतलब कि एकदम एक सीधी दिशा में दोनों होना चाहिए, कोच ठीक है और उसका कपलर। बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज, मतलब कि गैदरिंग रेंज एक दूसरे के एकदम निकट, जैसे ही आएगा जो उसका शंटिंग का जो लोग रहते हैं वो आराम से कपल कर देंगे। इतना आपको याद रखिएगा कि ट्रैक जो है बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, 3 से 3 किलोमीटर के आसपास में उसका स्पीड होना चाहिए, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, व्हाट इज़ द हाइट ओवर रूफ ऑफ एलएचबी कोचेस का हाइट, अभी अपने हमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 4,039 इसका हाइट होता है, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रॉस लोड एंड वॉर्न कंडीशन इज, जो बफर का ड्रॉप का जो है परमिसिबल जो है ये 75 mm जो है ड्रॉप, बफर ड्रॉप का परमिसिबल है, ठीक है, यानी कि 75 mm याद रखिएगा। मेंटेनेंस के बारे में आपको D1, D2, D3, SS1, SS2, SS3 पूरा पढ़ाया जा चुका है, फिर से एक बार आपका रिवीजन एक तरह से हो जाएगा। D2 शेड्यूल क्या है, 30 डेज और ±3 डेज, और ICF में भी सेम है, ठीक है, ICF का जो ए शेड्यूल है उसका भी यही है, 30 दिन ±3 डेज। इसका D1 जो है, D1 यानी कि हर एक बार जब गाड़ी चलेगी और वहाँ आएगी तो एवरी ट्रिप में इसको D1 होता है, हर ट्रिप में इसका जो निरीक्षण होता है उसको D1 कहा जाता है, और ICF में जो एवरी ट्रिप में जो निरीक्षण होता है उसको ट्रिप शेड्यूल कहा जाता है, ठीक है। D2 ये हो गया, D2 में 30 डेज ±3 डेज LHB वाले में कहा जाता है, LHB का मेंटेनेंस में, वही ICF का मेंटेनेंस जो है ए शेड्यूल उसको कहते हैं, उसमें भी होता है 30 डेज ±3 डेज। तो ICF और LHB का दो दो आपको याद हो गया, ठीक है, जो मैं बोलूँ उस पर भी गौर कीजिएगा। अब SS1 बोल रहा है, SS1 शॉप शेड्यूल 1 ऑफ LHB कोचेस, SS1 जो है 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर के जो पहले पूरा हो जाए उसी को पूरा करने के बाद जो है इसका SS1 किया जाता है। SS1 में जो है क्या क्या निरीक्षण किया जाता है, कैसे उसका कौन कौन से पार्ट्स उसको देखे जाते हैं, कौन कौन से पार्ट जांच किए जाते हैं, इसका वीडियो हमने बता दिया है मेंटेनेंस शेड्यूल में LHB में, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो SS1 आपको सिर्फ ये इतना याद रखना है कि 18 महीना यानी कि 1.5 साल या 6 लाख किलोमीटर जो पहले होगा उसी बीच में उसको SS1 किया जाएगा, शॉप शेड्यूल 1। अच्छा, IOH ऑफ LHB कोचेज, IOH जो LHB कोचेज का जो है कितने दिनों पर होता है, 9 महीना, इन सॉरी तो ICF का 9 महीना होता है, LHB का 18 महीना पर IOH किया जाता है, यानी कि शॉप शेड्यूल 1 जो है, IOH और सब शेड्यूल 1 सेम है, ये भी 18 महीना पर किया जाता है, वो भी 18 महीना पर किया जाता है, ठीक है। चलिए, ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक ऑफ राजधानी कोचेस फ्रॉम आउट स्टेशन, आउट स्टेशन पर जैसे ही ब्रेक पावर का पूछेगा तो आप 90% लगाएंगे और स्टेशन पर पूछेगा तो 100 लगाएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगर यही पूछेगी स्टेशन पर जो है इसका ब्रेक पावर कितना होता है तो 100% होता है। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार, इंजन और पावर कार के बीच वर्टिकल स्लाइडिंग जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस, द डिवाइस इज नोन है, एक डिवाइस लगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, रेस्ट्रिक्टर कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। किसके किसके बीच, प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार के बीच, आपको मालूम है LHB कोच में पावर सप्लाई पावर कार से होते हैं,
चलिए, वाई डैम्पर इज फिटेड ऑन, एक वाई डैम्पर जो होता है एक फिट किया जाता है, बट डैम्पर्स के बारे में पूरा आपको पढ़ाया जा चुका है। प्राइमरी सेक्शन सस्पेंशन में जो है एक एक साइड में एक डैम्पर, फिर एक साइड में वो दूसरा प्राइमरी सस्पेंशन में एक डैम्पर, उसके बाद वर्टिकल डैम्पर, लेटरल डैम्पर, सेकेंडरी सस्पेंशन का डैम्पर पूरा आपको पढ़ाया जा चुका है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 में याद रखना है कि बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी, अंडर फ्रेम और बोगी के बीच में जो है वाई डैम्पर यूज किया जाता है। इस तरह से तिरछा रहता है बोगी के बीच में, ठीक है, अगर ये बोगी है तो इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है। अगर वो आगे बढ़ते हैं, द फायर एक्सटिंगाइजर यूज इन एसी एलएचबी कोचेस डीसीबी टाइप, आपको पता है डाइक्लोराइड पाउडर जो है इसको यूज किया जाता है, और इसका हर एक साल पर इसको रिफिल्ड किया जाता है, मतलब उसका फिर से भरा जाता है, उसके गैस जो है री से पुनः भरा जाता है जो पाउडर है। हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर आर यूज इन एलएचबी कोचेस, एलएचबी कोचेस में कितने शॉक्स ऑब्जर्वर यूज किए जाते हैं, 18। कौन कौन से, देखिए ये अगर हमारा ट्रॉली हो गया, ठीक है, फिर इधर दो चक्के हो जाएंगे, इधर दो चक्के हो जाएंगे, ये हमारा ट्रॉली हो गया, ठीक है। एक यहाँ यूज किए जाएंगे प्राइमरी सस्पेंशन में, एक यहाँ यूज किए जाएंगे प्राइमरी सस्पेंशन में, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 हो गए, ठीक है, एक यहाँ होता है, 5 हो गए एक साइड में, उसके बाद एक ही होता है वाई डैम्पर यहाँ, ठीक है। इस तरह से टोटल 18 जो है इस शॉक एब्जर्वर यूज किए जाते हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक बोगी में 9 ही होते हैं, पूरे कोच में 18 होते हैं, एक एक बोगी का 18 नहीं जोड़िएगा, पूरे कोच में एक में 9 ही होते हैं, फिर समझ लीजिए। देखिए एक यहाँ होगा प्राइमरी सस्पेंशन, एक यहाँ होगा, ठीक है, एक यहाँ होगा, 3, उसी तरह उधर होगा, एक होगा वर्टिकल यहाँ, एक होगा यहाँ लेटरल वाला, ठीक है, एक यहाँ होगा, इस तरह से कुल 9 होंगे, एक यहाँ होगा, इस तरह से कुल कितने होते हैं, 9 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट, ब्रेक कैलिपर का माउंटिंग बोल्ट का टॉर्क वैल्यू पूछ रहा है, कितने टॉर्क से इसको, कितने न्यूटन मीटर टॉर्क से टाइट किया जाता है, एनएम का मतलब हो गया न्यूटन मीटर, ठीक है। तो जो ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट जो है उसको 170 NM से टाइट किया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज ऑन एलएचबी कोचेज, एलएचबी कोचेज में जो ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है किस सिद्धांत पे यूज किया जाता है, तो क्या है, ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम, ठीक है, एक FP होता है, एक BP होता है, ठीक है, FP का मतलब फीड पाइप, BP का मतलब ब्रेक पाइप, तो दो पाइप है, ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम, उसमें डिस्क ब्रेक भी होता है, इसकी चौड़ाई जो है 110 mm, इसका डाया 640 mm, पूरा याद करके रखिएगा। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सी आर टैंक, सी आर टैंक की कैपेसिटी जो है 6 लीटर की होती है, याद रखिएगा 6 लीटर। डायमीटर ऑफ BC लाइन ब्रांच पाइप, BC लाइन का ब्रांच पाइप का डायमीटर जो है 18 mm का होता है। ब्रेक एक्सलेटर क्या है, ब्रेक एक्सलेटर क्या है, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है, ठीक है, 25 का हो जाएगा B। उसके बाद 26 का देखिए, प्रिंसिपल एप्लीकेशन फॉर ब्रेक एक्सलेटर, एक्सलेटर को जो है एक्सलेटर का यूज करने का क्या सिद्धांत है, क्या है, क्या करता है वो, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ द रैक, मतलब हर एक कोच में जो है ये इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा, वही है ब्रेक एक्सीलेटर। उसके बाद देखिए 27, मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्चुएट टू द ब्रेक एक्सीलेटर, मतलब ब्रेक एक्सीलेटर को स्टार्ट होने के लिए कितना प्रेशर चाहिए मिनिमम, ठीक है, तो 1.6 kg cm² पर मिनट, इतना इसको प्रेशर चाहिए, इतना प्रेशर चाहिए। इसका B हो जाएगा 27 का। 28 के देखिए,
हाउ मेनी प्रेशर टैंक प्रोवाइड ऑन जनरेटर कार, जनरेटर कार में कितने प्रेशर टैंक प्रोवाइड किए जाते हैं, तो चार। व्हाट इज़ द नेम ऑफ केबल प्रोवाइड फॉर हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक के लिए जो केबल प्रोवाइड किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो फ्लेक्स बॉल केबल बोला जाता है। ASD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एंटी स्लिप डिवाइस होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डंप वॉल्व, डंप वॉल्व क्या है, टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सल्स, ठीक है, सभी एक्सल का जो है स्पीड सेम करता है वो डंप वॉल्व। टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्कीडिंग, व्हील को स्कीड होने से बचाता है, मतलब घिसने से बचाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वॉल्व ऑपरेटिव, डंप वॉल्व को ऑपरेट करने की इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए। वैसे तो ट्रेनों में 112 वोल्ट का DC सप्लाई होता है, लेकिन इसको 24 वोल्ट DC ये जो है डंप वॉल्व के लिए ज़रूरत है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर, स्पीड सेंसर का क्या काम है। स्पीड सेंसर आपको मालूम है जो एक कोड के माध्यम से जो है वहाँ ड्राइवर को पता चलता है कि क्या किस सेक्शन में क्या गड़बड़ी है वो आपको, तो स्पीड सेंसर क्या करता है, तो कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सल, प्रत्येक एक्सल का जो है वो गति मापता है स्पीड सेंसर। ये देखिए, इन क्रोनबेम से जो है, नोरब्रेम से ये कंपनी है, इस कंपनी का जो है प्रेशर स्विच जो है रेलवे खरीदती है, तो प्रेशर स्विच जो है नोरब्रेम से ब्रेम से का जगह लगा रहेगा तो क्या है किससे वो कनेक्ट होगा, उसका प्रेशर स्विच किससे कनेक्ट होगा, तो BP से होगा, BP लाइन से, ठीक है। इफ़ एंटी स्किड सिस्टम नोट एक्चुएट द रीज़न में भी, जैसे एंटी स्किड सिस्टम जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण क्या होता है, फ्यूज नंबर जो है 63 और 65 में ब्लॉन, मतलब उड़ गया होगा फ्यूज, चाहे ख़राब हो गया होगा। सेटिंग ऑफ प्रेशर स्विच में भी डिस्टर्ब, प्रेशर स्विच का सेटिंग जो है डिस्टर्ब हो गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा बोथ A और B, यानी कि C। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 कोड शो ऑन माइक्रो प्रोसेसर, मीन्स जो माइक्रो प्रोसेसर में 99 कोड शो करता है उसका क्या मतलब हो सकता है, उसका क्या मतलब है, 99 क्या है, होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, मतलब पूरा सिस्टम जो है अच्छी तरह से काम कर रहा है, वही स्पीड सेंसर के माध्यम से वहाँ पर ही उसको कोड माइक्रो प्रोसेसर में भेजाता है। देखिए, इफ़ माइक्रो प्रोसेसर 73 कोड अगर भेजा है, 73 कोड अगर आया, इसका मतलब क्या है, परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सेल, कुछ एक्सेल में जो है परमानेंट फॉल्ट हो गया है, उसको ठीक करने का ज़रूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिक डंप वॉल्व जो है उसको रीड करके उसको एयर जो है, अगर जो एक्सेल स्लो चल रहा है उस एक्सेल का जो ब्रेक सिस्टम है उसका एयर को जो क्या करता है, या तो ज़्यादा अगर या तो DV के माध्यम से या जो है या तो ज़्यादा उसमें एयर सप्लाई करके या एयर को बाहर एग्जॉस्ट करके उसको एडजस्टमेंट करता है, मतलब और जो एक्सल चल रहे हैं उसकी बराबर में उसको चलाता है, कौन, डंप वॉल्व, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल 73 कोड का मतलब होता है। PESD का फुल फॉर्म क्या है, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस, हर एग्जाम में आता है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा। हाउ कैन आइडेंटिफाइड द एक्चुअल पोजिशन ऑफ चैन पुलिंग हो चुका है, तुम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या है, पुल बॉक्स विल बी डाउन, पुल बॉक्स क्या होगा, उसका डाउन होगा, डाउन पोजिशन में होगा, एंड हिसिंग साउंड कैन हियर, एक इस तरह का साउंड सुनाई देगा, तो समझेंगे कि क्या है, चैन पुलिंग हो चुकी है। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड, न्यू ब्रेक पैड का थिकनेस कितना होता है, 35 यानी कि 35 mm होता है। उसके बाद है मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन kg सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना मैक्सिमम होता है, 3 ± 0.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है करेक्ट डायरेक्शन टू ओपन स्लैक एडजस्टर नट ऑफ kb make brake cylinder जो होगा उसको ओपन करने का जो डायरेक्शन क्या है, क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, ठीक है, एंटी क्लॉक क्लॉक वाइज बोले तो घड़ी की विपरीत दिशा में। इफ़ ब्रेक सिलेंडर पर प्रेशर इक्वल और मोर देन 0.6 bar,
द ब्रेक इंडिकेट क्या करेगा, रेड ग्रीन कर रेड करेगा, ठीक है। उसके बाद 44 देखिए, व्हाट विच टाइप ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम बींग यूज ऑन LHB कोचिंग स्टॉक, LHB कोचिंग स्टॉक में कौन से प्रकार का ब्रेक सिस्टम यूज होता है, तो ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम, ठीक है। इस तरह का यूज किया जाता है, सर्दी का मौसम है, गला खिचखिच हो गया है। हैंड ब्रेक आर प्रोवाइड ऑन LHB कार पावर कार्स नोन एज, हैंड ब्रेक जो है LHB पावर कार में प्रोवाइड किया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको पार्किंग ब्रेक के नाम से जाना जाता है। व्हाट आर द मेन एडवांटेज टू एडोप्ट डिस्क ब्रेक सिस्टम ऑन LHB कोच, LHB कोच में डिस्क ब्रेक सिस्टम जो है क्यों लिया गया है, क्यों एडोप्ट किया गया है, तो इसको क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, वियर एंड टीयर ऑन व्हील इज मिनिमाइज, जो चक्का जो है घिसता वगैरह नहीं है, ठीक है। ओवरऑल लाइफ ऑफ व्हील इज इंक्रीज, व्हील का लाइफ जो है इससे बढ़ता है, डिस्क पर ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, व्हील एकदम सुरक्षित रहता है। इफेक्टिव ब्रेकिंग देन ओल्ड सिस्टम, पुराने वाले जो है सिस्टम ICF का है उससे ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। द फिन्स प्रोवाइड इन बिटवीन द ब्रेक डिस्क, ब्रेक डिस्क में जो फिन्स प्रोवाइड किया था, जैसे ये ब्रेक डिस्क है इसमें इस तरह से ये प्रोवाइड किया था, इसका क्या कारण है, तो ये क्या करता है, टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग, ब्रेकिंग में जो है जो गर्म हो जाता है व्हील डिस्क, तो उसको क्या करता है, कूलिंग प्रदान करता है, ठीक है। इस ये भी है, टू मिनिमाइज वेट ऑफ ब्रेक डिस्क, ब्रेक डिस्क का जो है वेट भी इससे कम होता है, अगर पूरा ठोस रहेगा तो वेट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसके दो कारण हैं, तो इसका ए और बी दोनों हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों नहीं दिया है तो आप बी मारिएगा, टू मिनिमाइज वेट वाला, ठीक है। हालांकि इसका ए और बी दोनों आंसर है। ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड विद द हेल्प ऑफ, ब्रेक जो कैलिपर यूनिट है कौन से कितने बोल्ट जो है नंबर के बोल्ट जो है इंस्ट्रूमेंट से जो है कितने नंबर के इंस्ट्रूमेंट से जो है या रिंच से जो है टाइट होता है, तो क्या है M16x60 बोल्ट, ठीक है। उसके बाद 49 देखिए, ब्रेक्स सिलेंडर बिलो ऑफ ब्रेक कैलिपर यूनिट शुड बी नॉट अलाउड, ब्रेक सिलेंडर जो है उसके नीचे ब्रेक कैलिपर में क्या अलाउ नहीं है, बेंट बिलो अलाउ नहीं है, मतलब किसी प्रकार का झुका हुआ हो, चाहे इधर उधर लटका हुआ हो, इस तरह से सीधी तरह से अच्छी तरह से टाइट अगर नहीं किया गया हो तो अलाउ नहीं है, ठीक है। उसके बाद 50 देखिए, ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन, ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन शो कर रहा है, फिर ब्रेक अप्लाई, ब्रेक जब अप्लाई होगा तो रेड शो करना चाहिए लेकिन ग्रीन कर रहा है, इसका रीजन क्या है, व्हाट शुड बी रीजन, तो रीजन इसका क्या है, CR ऑफ कोच नोट चार्जेड, CR टैंक जो है जो कि 6 लीटर से चार्ज होता है चार्ज नहीं होगा, और इतना याद रखिएगा कि CR को चार्ज होने में 160 सेकेंड का समय लगता है, CR चार्ज होने में 160 सेकेंड का समय लगता है, कहीं कहीं आपको 165 भी दे सकता है, और उसके बाद 165 प्लस माइनस 20 भी दे सकता है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार आप सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, अच्छा इसका और भी नहीं बताया, हैंड रिलीज वॉल्व स्टक अप इन रिलीज पोजीशन, स्टक मतलब होता है अटकना, किसी तरह से अटक गया होगा जो वॉल्व जो होगा उसका, किस तरह से अटक गया होगा और रिलीज पोजीशन में जाके अटक गया होगा, ठीक है। हैवी लीकेज इन BC लाइन में है लीकेज, इतना याद रखिएगा कि 20% लीकेज परमिटेड है, अलाउड है, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा लीकेज होगा, इसके वजह से क्या है, ब्रेक अप्लाइड नहीं हुआ होगा, ब्रेक अप्लाई किया लेकिन ब्रेक अप्लाइड नहीं हुआ। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन का हमने सेट आपको बता दिया है, बाकी क्वेश्चन भी धीरे धीरे आपको बताऊँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो, जल्द से जल्द आप जय बने, बस यही कामना है।